मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। 370 मामले पे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक मत से अपना फैसला दिया है। जजों की राय एक है, इसका मतलब 5 के 5 जज एक राय पे हैं कि हाँ आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, आर्टिकल 35 एक गलत तरीके से इंसर्ट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 8 सवाल फ्रेम किए थे, उन 8 सवालों पे एक एक करके अपना उन्होंने उत्तर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान भी वो किसी भी क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी घोषित किया जा सकता है। बार बार सवाल उठाया जा रहा था कि जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया गया। दूसरा, लद्दाख के बारे में एक सवाल था कि जब राष्ट्रपति शासन था तो राज्य का बंटवारा करके लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया गया। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, राष्ट्रपति शासन के दौरान भी बना सकते हैं। एक जो बार बार दलील दी जा रही थी कि नहीं, कश्मीर अलग है, कश्मीर को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, कश्मीर की एक विशेष पहचान है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कश्मीर भी वैसा ही है जैसा यूपी है, बिहार है, बंगाल है, उसकी कोई अलग से स्टेटस या अलग से पहचान या अलग से निशान नहीं चलेगा। जो कश्मीर में अलग से झंडा चल रहा था, तिरंगा, भारत का तिरंगा झंडा है, लेकिन कश्मीर में एक अलग झंडा चल रहा था, कश्मीर में एक अलग संविधान चल रहा था, कश्मीर के अलग से नियम कानून चल रहे थे, उस पर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, भारत का संविधान सर्वोपरि है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है एक देश एक विधान लागू करने का, एक देश एक संविधान लागू करने का, वो बिल्कुल सही फैसला है। इसके पहले तक जो कानून बनते थे संसद से वो बाकी पूरे देश में लागू हो जाते थे, लेकिन कश्मीर में लागू नहीं होते थे। कश्मीर में वो तब लागू होते थे जब कश्मीर की विधानसभा उस पर प्रस्ताव पास करती थी, कश्मीर की विधानसभा उसको अपहेल्ड कर देती थी, उस पर अपनी मुहर लगा देती थी। और नतीजा ये था कि जितने एंटी करप्शन ला थे वो कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे। राइट टू एजुकेशन कश्मीर में लागू ही नहीं किया, कश्मीर के इतने दिन तक महबूबा का परिवार भी मुख्यमंत्री रहा, अब्दुल्ला का परिवार मुख्यमंत्री रहा, लेकिन उन्होंने कभी राइट टू एजुकेशन को लागू नहीं किया, जबकि वो फंडामेंटल राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे RTI डाल के लोगों से जवाब मांगा जाता है, उसको कश्मीर में लागू ही नहीं किया। इसी तरीके जो एंटी करप्शन ला है, घुसखोरी का कानून है, जमाखोरी का कानून है, बेनामी संपत्ति का कानून है, बेनामी लेनदेन का और ब्लैक मनी का कानून है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, हवालाबाजी का, ये एंटी करप्शन ला कश्मीर में लागू ही नहीं थे आर्टिकल 370 जब तक था, आर्टिकल 35 जब था। नतीजा ये था कि दिल्ली से जो पैसा जाता था उसमें 50% पैसे की बंदरबांट हो जाती थी, नेता नौकर शाह मिल के पैसा लूट रहे थे, पार्षद प्रधान सांसद विधायक उसको अपनी तरीके से खर्च कर रहे थे, मनमानी तरीके से खर्च कर रहे थे, किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होता था क्योंकि कानून नहीं था, और किसी को RTI में बताया नहीं जाता था क्योंकि RTI वहाँ लागू नहीं था। जब से 370 खत्म हुआ, आर्टिकल 35 खत्म हुआ, तब से करीब 50 कानून जो कश्मीर में लागू नहीं थे वो सारे के सारे लागू हो गए। अब उसका नतीजा ये है कश्मीर में भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, कश्मीर में शांति आई है, और जब सबसे रूट है जो कश्मीर में पत्थरबाजी था उसका मूल कारण आर्टिकल 370 था, कश्मीर में अलगाववाद आतंकवाद का जो रूट था आर्टिकल 370 था, कश्मीर में जो कट्टरवाद फैल रहा था, जिहाद फैल रहा था, मजहबी उन्माद फैल रहा था, फ्राइडे को पत्थरबाजी हो रही थी, उसका रूट काज आर्टिकल 370 था जो उनको विशेष दर्जा मिला हुआ था। जब से आर्टिकल 370 खत्म हुआ, 35 खत्म हुआ है, कश्मीर में शांति बढ़ी है, कश्मीर की में वहाँ पे रोजगार बढ़े हैं, स्वरोजगार, बिजनेस, व्यापार बढ़ रहा है, कश्मीर में टूरिस्ट भी खूब आ रहे हैं। तो इसलिए आज कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम केंद्र सरकार के सभी फैसले को मान्य करार दिया। जो केंद्र सरकार ने 370 खत्म करने का फैसला लिया, 35 खत्म करने का फैसला लिया, जो कश्मीर का अलग से निशान था उसको खत्म किया, जो केंद्र सरकार ने अलग से जो संविधान चल रहा था कश्मीर का उसको खत्म किया, अलग से जो विधान चल रहा था उसको खत्म किया, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उन सभी फैसलों को अपहेल्ड कर दिया है, उस पर अपनी मुहर लगा दिया है। अब कम से कम जो अब्दुल्ला परिवार या महबूबा परिवार बार बार ये एक नई नई तरीके दलील देते रहते थे कि नहीं 370 परमानेंट है, 370 नहीं हट सकता, 35 ये नहीं हट सकता, उन सभी सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, और मैं आशा करता हूं कि अब इसके बाद कम से कम 35 ए 370 के बारे में विवाद बंद हो जाएगा। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 35 ए के पक्ष में या 370 के पक्ष में नहीं बोलेगा, और जैसे बंगाल, बिहार, गुजरात भारत के अभिन्न अंग बन के रहते हैं और एक समान स्टेटस मिला हुआ है, वैसे कश्मीर को भी एक समान स्टेटस मिला रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अभी जो कश्मीर में एक अलग से भावना चल रही थी
नहीं हम तो कश्मीरी हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि लोग भारत के लोग वैष्णो देवी जाते थे, कश्मीर घूमने जाते थे, तो वहाँ के लोग कहते थे तुम इंडिया से आए हो। ये जो भावना चल रही थी उस भावना पे बहुत हद तक लगाम लग जाएगा अब इस फैसले के बाद। अब मुझे लगता है सारे विवादों का समाधान हो गया। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।